नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो फिर मैं आपको बता दूं, मैं वीक बाय वीक प्रेगनेंसी का एक सीरीज ऑफ वीडियोस अपलोड कर रही हूं। इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि वीक बाय वीक किस तरीके से आपके बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, बेबी का साइज़ कितना लंबा हो रहा है, बेबी की कितनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, एक माँ को किस तरीके के प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से अपना और अपने बेबी का ख्याल रखना होता है। तो अगर आप इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, मेरे चैनल को फॉलो करना शुरू कर दीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। सो वीक 28 इज़ येस ऑफिशियली आप थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुकी हैं। पिछले दो ट्राइमेस्टर से आप अब ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस कर चुकी हैं अपनी प्रेगनेंसी को। आप थोड़ी कॉन्फिडेंट भी होती हैं, रादर कह सकते हैं थोड़ी नर्वस भी होती हैं। मतलब कॉन्फिडेंट इसलिए क्योंकि आपने दो ट्राइमेस्टर्स गुजार लिए हैं, आपको अपने बॉडी के चेंजेस का थोड़ा सा अंदाज़ा होने लगा है। लेकिन आप इसलिए एंग्शियस होती हैं क्योंकि अब डिलीवरी का डेट करीब आ रहा होता है और इसकी वजह से तरह तरह के ख्याल आपके दिमाग में चलते रहते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि अब आपका बेबी ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है हमारी दुनिया में आने के लिए। बेबी का जो रिंकली स्किन होता है वो ऑलमोस्ट सॉफ्ट एंड सफल, जो नॉर्मल स्किन होता है उस तरीके का होने लगता है। फैट डिपॉजिशन काफ़ी अमाउंट में होता है बेबी के बॉडी में, चिक्स में, फेस में, और बेबी ऑलमोस्ट एक स्लिमर वर्शन ऑफ जैसा वो जन्म लेगा उस तरीके का दिखना शुरू हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि बेबी का लंग्स भी मच्योर हो रहा होता है और वो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करना शुरू कर देता है। बेबी 14.8 इंचेस का हो जाता है, उसका एक रेगुलर सोने जागने का पैटर्न बन गया होता है। यहाँ तक कि बेबी को अब ड्रीम्स भी आने लगते हैं और इसी रेगुलर सोने और जागने के साइकिल की वजह से हो सकता है एक माँ को कुछ वक्त बेबी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा फील हो जब बेबी जागा हुआ होता है, और एक ऐसा टाइम चले जब माँ को ऐसा लगे कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो ऐसा एक डेली पैटर्न सेट हो जाता है और बहुत ज़रूरी है माँ इस बारे में थोड़ा सा ट्रैक रखना अब शुरू करने लगे। बेबी इस दौरान अपनी आंखों को खोलना बंद करना यानी कि ब्लिंकिंग भी करना शुरू कर देता है, और अक्सर आपके डॉक्टर्स आफ्टर थर्ड ट्राइमेस्टर शायद आपकी जो मंथली विजिट्स है उसको बढ़ाकर ट्वाइस अ मंथ विजिट में बदल दे। सो इन प्रीनेटल विजिट्स पे अगर आप एक ट्विंस या मल्टीपल कैरी कर रही प्रेग्नेंट वुमेन है तो हो सकता है आपका अल्ट्रासाउंड स्कैन भी हो टू सी इफ द ग्रोथ डिफरेंस बिटवीन बोथ द ट्विंस और द मल्टीपल्स इज नॉट मच। लेकिन अगर आप एक सिंगलटन बेबी के साथ प्रेग्नेंट है और आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्रीनेटल विजिट में आपका अल्ट्रासाउंड स्कैन होगा। इट माइट बी जस्ट अ रेगुलर डॉक्टर चेकअप। अब जैसे जैसे आपका बेबी बढ़ता जाएगा थर्ड ट्राइमेस्टर में, आपको सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो सताएगी वो होगी सोने में कठिनाई। मैं पहले के वीक्स में भी आपको कहती आई हूँ कि एक प्रेग्नेंट महिला को मेनी स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में सोने में कठिनाई हो सकती है, बट अब जो सोने की कठिनाई होगी दैट वुड बी लॉट मोर देन व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस टिल नाउ। सेकेंड ट्राइमेस्टर के मुकाबले थर्ड ट्राइमेस्टर में अब आगे के दिनों में आपका जो बेबी बम्प है और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, और उसकी वजह से जो आपके स्टमक पे प्रेशर होगा फ्रॉम कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर, उसकी वजह से हार्ट बर्न होना या फिर एसिड रिफ्लक्स होना बहुत कॉमन होता है। फिर बेबी बम्प की वजह से एक महिला को सांस फूलने की इश्यू भी शुरू होने लगती है। ट्विंस एंड मल्टीपल्स अगर हैं आपके तो हो सकता है ये पहले से ही इसकी शुरुआत हो चुकी हो। इवन इफ यू आर कैरिंग अ सिंगल बेबी, अब आपके लिए थोड़ा ये जो हांफना ये काफ़ी आम सा इश्यू हो सकता है। सो टेक रेस्ट स्लोली एंड स्टेडली, अपने सारे काम कीजिए। जब भी आपको लगे कि आप थक गई हैं, आपकी सांस फूल रही है, वहीं पे आप एक ब्रेक लेके थोड़ा सा रेस्ट करें और फिर अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करें। इसके अलावा जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं या फिर बढ़ता हुआ बेबी का साइज, ये सब कुछ एडिशनली मिलकर क्या करता है, आपकी बॉडी में बहुत सारे पेन्स एंड एक्स प्रोड्यूस करता है।
इन सब से निपटना तो एज सच डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, ये होंगे ही इस तरीके के पेन्स एंड एक्स, बट कुछ हद तक आप अपने प्रॉपर पॉस्चर को मेंटेन करके, चाहे वो बैठते वक्त हो, खड़े होते वक्त हो या फिर सोते वक्त हो, इन सारी बातों का ध्यान रखकर अपने बैक पेन या फिर मसल एकिंग वगैरह को कम कर सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर करते करते ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस अब और ज़्यादा प्रोमिनेंट और थोड़ा इंक्रीज फ्रिक्वेंसी में होने शुरू हो जाते हैं। सो इस बारे में मैं जैसे कहती आई हूँ आपको मेरे डेडिकेटेड वीडियो को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आई बटन में। उस वीडियो का टाइटल है ट्रू वर्सेस फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शंस। सो एक्चुअली लेबर कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं और प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस यानी ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं, एक होने वाली माँ को इस बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे डिलीवरी की डेट पास आएगी, यू नेवर नो कब आपकी कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो। खासकर अगर आप ट्विंस और मल्टीपल्स कैरी कर रही हैं तो हो सकता है प्री टर्म लेबर भी आपको हो। सो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें, अपने डॉक्टर से भी इस बारे में आप पूछ सकती हैं। डॉक्टर्स इस दौरान आपको ये भी कह सकते हैं कि अब से आगे आपको अपने बेबी का जो मूवमेंट है उसका एक ट्रैक रखना चाहिए। सो कैसे रखना चाहिए इस बारे में भी मेरे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देखें और समझें और अपने बेबी के एक हेल्दी ग्रोथ को एंश्योर करें बाय काउंटिंग हाउ मेनी किक्स अ बेबी इज प्रोड्यूसिंग एंड व्हेन इट इज प्रोड्यूसिंग हाउ इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ योर बेबीज मूवमेंट। एक मज़े की बात यह है कि अब अगर आपको ट्विंस या मल्टीपल्स हैं तो आप अपना एक प्लान बना सकती हैं टुवर्ड्स अ मैटर्नल फोटोशूट। मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने बेबी बम्प के कैप्चर्स को रखने के लिए अपने पास एज मेमोरीज, फिर आपको इस तरीके का शूट जल्दी ही प्लान कर लेना चाहिए, बिकॉज इस दौरान आप काफ़ी एट ईज होती हैं इन कंपेरिजन टू द कमिंग डेज जो आपके लिए और टफर होने वाले हैं। सिंगलटन मॉम है अगर आप, तो शायद आप और थोड़ा इंतज़ार कर सकती हैं। सो इसी अच्छे नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। ये जो भी स्टैंडर्ड मैं आपको बेबी के डेवलपमेंट या फिर आपकी बॉडीली चेंजेस के बारे में बता रही हूँ, हो सकता है एक दो हफ्ते ये इधर उधर हो, ये एक एवरेज जो भी सिम्टम्स या फिर बेबी के डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, बट इस तरीके का कुछ ही आपके प्रेगनेंसी टाइमलाइन में भी होने वाला है। थोड़ा हेर फेर हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके डॉक्टर्स हैं आपके पास, उनसे आप परामर्श कीजिए अगर किसी भी तरीके की चिंता आपको सताती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून, टिल देन टेक गुड केयर।